गीता में कृष्ण ने कहा है, जब जब पृथ्वी पर अधर्म होगा मैं जन्म लूंगा। और उन्होंने जन्म लेने या अवतार लेने के तीन कारण भी बताए हैं। पहला साधुओं की रक्षा के लिए, दूसरा धर्म की स्थापना करने के लिए। अब धर्म की स्थापना करने का मतलब है एक आइडियल सोसाइटी क्रिएट करने के लिए, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, सभी की बेसिक नीड्स पूरी हो रही हो। एग्जैक्टली वैसा जैसे हमें रामायण में राम राज्य की तरह बताया गया है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई केओस ना हो, जहाँ पर सभी तरफ खुशियाँ हो, एक दूसरे के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और लोगों के अंदर कोई केओटिक फीलिंग ना हो। तीसरा है पापियों का नाश करने के लिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर पापियों का नाश ही करना है तो इतने बड़े युद्ध करने की क्या जरूरत है, इतना बड़ा नरसंहार करने की क्या जरूरत है, वो तो भगवान है, जहाँ पर निर्दोष भी मारे जा रहे हैं और दोषी डिप्लोमेटिक तरीके से बच जा रहे हैं। तो इस बात को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि महाभारत जितनी फिजिकल वर्ल्ड में हो रही है उससे कहीं ज्यादा मेंटल डायमेंशन में हो रही है, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में हो रही है, जहां पर हर इंसान के मेंटल स्टेट में दो स्ट्रॉन्ग पावर एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई है। एग्जाम्पल के लिए हम अर्जुन को देख सकते हैं, जहां अर्जुन दुनिया का सबसे टैलेंटेड धनुर्धारी अपने संबंधियों, अपने गुरुओं, अपने पूर्वजों के सामने आकर गिव अप कर देता है, जहां उसके हाथ से अपना गांडीव गिर जाता है और वह कृष्ण से कहता है कि मुझे यह युद्ध नहीं करना, मुझे वैराग्य धारण करना है, और उसने एक महाभारत अपने मेंटल स्टेट में भी शुरू कर ली। इसी चीज को टैकल करने के लिए कृष्ण अपने विराट रूप में आते हैं और अर्जुन के मानसिक युद्ध को खत्म करने के लिए उन्होंने गीता जैसे संपूर्ण ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया। अब कृष्ण के वो विराट रूप को आप ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, हमें कृष्ण के विराट रूप को चमत्कारी ना मानकर एज अ सिंबॉलिक मान लेना चाहिए। एग्जैक्टली वैसा जैसा एक बीज मिट्टी में जन्म लेकर बाद में उसी मिट्टी में समा जाता है, तो हम कृष्ण को एज अ मिट्टी देख सकते हैं, तो हमें कृष्ण का वो विराट स्वरूप आसानी से समझ जाएगा। मॉडर्न वर्ल्ड में गीता मैनेजमेंट के लिए बहुत फेमस है, ऑल्दो गीता से अच्छी कोई बुक नहीं अगर आपको हिंदू धर्म और उसकी फिलोसफी को समझना है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि गीता हमारे वेद और उपनिषदों की समरी है। आजकल तो गीता इतनी ज्यादा रिफ्रेम कर दी गई है और उसमें इतनी हजारों कमेंट्रियां कर दी गई है कि अगर आपको अब गीता समझना है तो आपको दो परसेप्शन को समझना होगा, एक तो वो जो साधुओं और संतों की है और दूसरी जो बड़े बड़े विद्वानों, बड़े बड़े स्कॉलर्स ने लिखी है। तो अगर अभी तक आपने गीता नहीं पढ़ी है तो मैं रिकमेंड करूंगा एक अच्छे माइंडसेट, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग के लिए आप गीता जरूर पढ़ें।